हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेको ट्रिक्स पर। दोस्तों, Asus ने अपने दो नए स्मार्टफोन Zenfone सीरीज के दो नए स्मार्टफोन Zenfone 8 एंड Zenfone 8 Flip को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, दोनों ही फोन जो है 5G वेरिएंट फोन है, और जहाँ पे Zenfone 8 है वो एक कॉम्पैक्ट डिजाइन फोन है, एक छोटा पैकेट फोन है। वहीं दूसरी तरफ Zenfone 8 Flip जो है ये अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को ही वापस से रिवाइव करते हुए आया है, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को वापस लाते हुए फ्लिप टेक्नोलॉजी के साथ आया है। दोनों ही फोनों के बारे में हम आपको बताएंगे आज, और बताएंगे इनकी इंडिया में क्या प्राइस हो सकती है, क्या है इसकी ग्लोबली प्राइस, एंड कब हो सकता है ये इंडिया में लॉन्च। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, Asus ने अपने Zenfone सीरीज के दो नए फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे Zenfone 8 के बारे में। दोस्तों, ये फ़ोन जो है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका फ़ोन है। इस फोन में आपको मिलती 5.9 की सैमसंग AMOLED डिस्प्ले विथ 120Hz रेफरेंस रेट के साथ। साथ ही इसमें आपको मिलती है 1100 पीक ब्राइटनेस, जो कि इसकी ब्राइटनेस को, इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को और भी ब्राइटर और इम्प्रेसिव बनाती है। वहीं इसमें आपको मिलता है प्रोटेक्शन में गोरिल्ला ग्लास का लेटेस्ट वर्जन, जो कि सबसे हाई प्रोटेक्टिव वर्जन है। साथ ही इसमें आपको मिलता है IP68, जो कि आपके फ़ोन को वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंस बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो दोस्तों, इस फोन में आपको बैक पैनल में 2 कैमरा सेटअप प्रोवाइड किए गए, जिसमें 64 मेगापिक्सल का OIS का प्राइमरी कैमरा सेटअप, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का प्राइमरी कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है, विथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेटअप के साथ। और दोस्तों, वहीं इसमें आपको फ्रंट में मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि इंप्रेसिव है, अच्छा है बताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की परफॉर्मेंस की और प्रोसेसर की। तो दोस्तों, इस फोन में जो आपको मैंने पहले बताया, ये फोन एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसीलिए इसमें आपको बड़ा धमाकेदार प्रोसेसर मिल रहा है। 7nm चिपसेट का Snapdragon 888 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, विथ एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन 11 Zen UI के साथ ये प्रोसेसर को प्रोवाइड किया गया है। वहीं आपको मिलते हैं इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार वेरिएंट्स। पहला वेरिएंट जो है स्टार्टिंग वेरिएंट, वो है दोस्तों 6GB प्लस 128GB रोम के साथ, इंटरनल स्टोरेज के साथ, विथ 3.1 UFS स्टोरेज के साथ। और वहीं इसका जो हाईएस्ट वर्जन वेरिएंट है वो है 16GB प्लस 256GB 3.1 UFS स्टोरेज के साथ। तो ये था दोस्तों इस फोन की परफॉर्मेंस की बात, प्रोसेसर की बात। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की बैटरी की। तो दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है 4000mAh की एक डिसेंट बैटरी, क्योंकि अगर देखा जाए इसके पहले पुराने फ़ोनों के बारे में, Zenfone सीरीज की बात करें या कोई भी Asus की फ़ोन की बात करें, मिनिमम आपको 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब की बार आपको एक कॉम्पैक्ट साइज के साथ कॉम्पैक्ट बैटरी प्रोवाइड की गई है 4000mAh की, विथ 30W पावर चार्जर के साथ। लेकिन इसमें दोस्तों एक दिक्कत यह है कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन इसमें आपको कोई वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड नहीं की गई, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन के लिए नाइंसाफी की बात है। बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की कुछ अदर फीचर्स की। इसमें आपको मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक, जो कि फ्लैगशिप फ़ोन के लिए थोड़ा इंप्रेसिव है, अच्छा लग रहा है। और वहीं मिलता है इसमें आपको Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन, FM, अदर फीचर्स लाइक ए डिसेंट नॉर्मल स्मार्टफोन के जैसे। बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन के ग्लोबली प्राइस की और इंडियन लॉन्चिंग की। तो दोस्तों, इस ये फ़ोन जो है ग्लोबली 599 यूरोज का लॉन्च हुआ है, जिसकी अप्रोक्सली इंडियन प्राइस जो है वो 52-53 रुपए के करीब बैठती है। लेकिन दोस्तों, ये जो फ़ोन है इंडिया में अप्रोक्सली 45,000 के आसपास बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 पे Asus ने अपना ROG 5 लॉन्च कर रखा है। अब ये जो फ़ोन है ये अराउंड 45 या उससे बिलो में ही आपको मिलेगा, और इस फ़ोन की जो इंडियन लॉन्चिंग है वो जून या जुलाई के मिड तक आपको ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जितने चांस है। तो दोस्तों, ये था Asus Zenfone 8। बात करते हैं अब Asus Zenfone 8 Flip के बारे में। दोस्तों, तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.67 की 90Hz रेफरेंस रेट के साथ डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलती है सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले, एंड मिलता है इसमें आपको 1000 पीक ब्राइटनेस, जो कि इसकी ब्राइटनेस को इम्प्रेसिव करता है। और मिलता है इसमें आपको वही सेम IPS68 एंड गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के अगले फीचर्स की। तो बात करें कैमरे सेटअप में, तो इसमें आपको मिलता है बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप,
जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया विद 3x डिजिटल जूम के साथ एंड LED फ्लैश के साथ। और बात करें इसकी फ्रंट कैमरे की दोस्तों, तो दोस्तों इसके फ्रंट कैमरे की क्या बात करें, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ इसमें आपको फ्लिप कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी आपको बैक पैनल में मिलता है, बैक पैनल ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया, वही सेम की सेम आपको क्वालिटीज फ्रंट कैमरा सेटअप में भी प्रोवाइड की गई, जो कि इसकी फ्लैश सेल्फीज को परफेक्ट बनाता है और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की। तो दोस्तों जो सेम आपको Zenfone 8 में प्रोवाइड किया गया सेम प्रोसेसर आपको यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है, 7nm चिपसेट का Snapdragon 888 प्रोसेसर साथ साथ में आपको मिलता है। सिंगल वेरिएंट फोन में आपको, सिंगल वेरिएंट में आपको प्रोवाइड होता है 12+256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 3.1 UFS स्टोरेज के साथ साइज। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी, जहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट फोन में 4000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई, वहीं पे आपको ये फ्लिप फोन में 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है विद 30W सेम पावर चार्जर, 30W 4.0 क्विक चार्जर के साथ। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, फ्लैगशिप फोन है लेकिन वायरलेस चार्जिंग नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी कुछ अदर फीचर्स की, तो क्या बात करनी है दोस्तों अदर फीचर्स में, जो आपको अदर फीचर्स आपको Zenfone 8 में मिले वही सेम फीचर्स आपको इसमें भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों ये तो था Zenfone 8 फ्लिप के बारे में हमारी तरफ से जानकारी। अब बात करते हैं इस फोन की, इसकी ग्लोबली प्राइस की एंड इंडियन लॉन्च के बारे में। तो दोस्तों इस फोन की ग्लोबली प्राइस है वो है 799 की अप्रॉक्स की, अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो रफली ये बैठता है 70,000 से 71,000 के अप्रॉक्स। और अगर ये इंडिया में, वैसे तो चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी इसके जो पहले वाले फ़ोन्स आए थे फ्लिप टेक्नोलॉजी को इंडिया में ज़्यादा पसंद नहीं किया गया Zenfone की, तो ये चांसेस कम है कि इंडिया में ये लॉन्च होगा। लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो इसकी जो रफली प्राइस होगी वो 65,000 के अप्रॉक्स होगी, अराउंड 65,000 के आसपास इस फोन की प्राइस होगी, स्टार्टिंग प्राइस जो होगी। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से Zenfone 8 एंड Zenfone 8 फ्लिप के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।